नहीं आए हैं मुर्गी के चूजे हमारे 21 दिनों में निकल आते थे, ये 28 दिनों में निकला। बाकी चेक करें माशाल्लाह कितना प्यारा है छोटा सा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, हरियत से होंगे। तो भाई यार, जिस जिसने अभी तक यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाओ यार, पहले चैनल को मेरे कर दो सब्सक्राइब, ताकि भाई आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहले पहुंचें। और हम आज का भाई अपना व्लॉग जो है वो करते हैं शुरू। तो लें जी, नहा दो होके सबसे पहले भाई मैं ऊपर आया हूँ। मैं कपड़े शपड़े बदल करके जरा छत पे चले, छत पे चल के जानवरों वगैरह को अपनी नज़र मारे। मैक्सिको क्या है, मैक्सिको वैली है। और आते साथ ही सबसे पहले तो भाई अपने इन जानवरों वगैरह को देखें जरा, मेरे जो हैं माशाल्लाह फुल आज ना एक्टिव और हेल्थी खड़े हैं, यानी कि कोई मसला मसाइल नहीं। वो जो है वो दरवाज़ा इस टाइम छीलने में मसरूफ़ है ना, छोड़ दे, ख़राब कर देती हैं सारी यहाँ से। इसने ये देखें, ये छीलती रहती है बैठी, सारी इसने लकड़ी यहाँ से छीलती है। वहाँ इसको छील लो, है को तेरे दांत सारे सारे टूट जाने अगर इसको तूने छीला दो। इनके दांत भी वैसे ही बहुत तेज़ होते हैं, इनको नहीं कुछ होता। हट जा इधर, हट जा। और वो देखें जी माशाल्लाह, ये भी जो है सेहतमंद हुई हुई है, और आज ये भी कह रही है कि मेरे साथ खेलो। हाँ भाई कमांडो, तू सुना, ठीक ठाक है? कमांडो भाई देखें, आपके दिलों की धड़कन, आपका प्यार, ऑल दी वे फ्रॉम रूफ टॉप सेटअप। कमांडो जो है आपका जो इस टाइम जो है ना फुल सेट होया हुआ है, क्योंकि पिछले दो दिन काफ़ी बेचारा बीमार सा रहा है, ढीला ढीला सा था, और आज जो है ना अब बिल्कुल ठीक होया हुआ है। दवाई वगैरह तो इसको दी थी, गुड़ वगैरह, और इसको ना अब हम रात को करने लगे अंदर बंद। पहले ये रहते थे बाहर ही बैठे रहते थे, तो बाहर जो है सर्दी पड़ती थी रात को, तो अब इनको अंदर कर देते हैं बंद। और ये दरवाज़ा जो है ना ये बंद करके ना कपड़ा ऊपर आ जाता है, तो अच्छी तरह कवर हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ना अब ठीक है। वो देखें ना माशाल्लाह, बकरी भी अब बिल्कुल एवन फिट है, और ये भी बिल्कुल ठीक है। हाँ ये देखें, बिल्कुल एवन है। जब इसको चेक करना हो ना ठीक है, तो इसको छेड़ के देखना पड़ता है, अगर टक्कर मारे तो ठीक है, अगर टक्कर ना मारे तो इसका मतलब बीमार है। तो अब ज़रा अंदर चल के दूसरे जानवरों को देखें। वो देखें जी, आज मियाँ वाली मुर्गे को हमने अपने अंदर छोड़ा हुआ है, ये भी बस थोड़े दिनों के मेहमान है, क्योंकि ये भी अब चला जाएगा, क्योंकि हमारा जो दूसरा मुर्गा ना था ही, उसके साथ इसकी होती है लड़ाई, तो अब डर लगा रहता है कि ये ना हो गया कहीं जख्मी हो जाए कोई एक बीच में से, और अपना भी नुकसान करवा ले। और बाकी ये पट्टियाँ चेक करें जी, हमारी छोटी छोटी सी पट्टियाँ थी, और माशाल्लाह ये भी अब ना काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं। मैं आपको पकड़ के चेक करवाता हूँ, ये देखें, छोटी छोटी सी हमारी पट्टियाँ थी, माशाल्लाह घर के चूज़े निकले थे जो आपने पहले व्लॉग से देखे, और अब माशाल्लाह काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं। और ये इसकी बहन है ब्राउन वाली, ये दोनों एक जितनी है। बाकी खरगोशों खरगोशों को नज़र मारते हैं। वो देखें, खरगोश जो है ये बाहर ही बैठा हुआ है हमारा मेल, क्योंकि इसके बच्चे निकले हुए हैं आपको पता है जैसा कि, तो फीमेल जो है इसको अंदर नहीं आने दे रही। फीमेल ने भी इसका अंदर दाखिला बिल्कुल मना किया, वो कहती है भाई तुमने अंदर नहीं आना। बाकी ये देखें, ये अंदर रोज़ घुस जाते हैं भाग के। वो देखो फीमेल भी बाहर ही थी, वो भी भाग गई अंदर। और कमांडो को भाई हमने ना बाहर खड़ा है, और बॉस को हमने अपने बंद कर दिया। बॉस बहुत ज़्यादा तंग करता है गंदा बच्चा। चलो भाई बाहर, चलो चलो बाहर बाहर चलो बाहर चलो। ये भैया इन्होंने इच्छा अंदर काम पकड़ लिया, अंदर आके बैठ जाती हैं, बाहर फिरें जरा रौनक लगे। वो देखें बाहर निकलेंगे आप सारी, माशाल्लाह बाहर रौनक लगी हुई है। और बाकी वो आपको जैसा कि पता है कि हमने अपनी इस वाली जो बतख के ना अंडे रखे हुए थे मुर्गी के नीचे, और माशाल्लाह आज भी उनके 28 दिन पूरे हो गए। आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, आपको भी अभी अंदर चल के ना सरप्राइज़ क्या भाई बता ही देते हैं आपके लिए ना, एक नए हमारे जो सेटअप है ना चीज़ें आ गई हैं। और भाई तू छोड़ दे मुझे थोड़ी देर के लिए, टक्कर मारने के लिए ड्राई जा रहा है मुझे बार बार। हमारे जो अंडे रखे हुए थे ना, उनमें से माशाल्लाह ना बच्चे निकलना स्टार्ट हो गए हैं। आपको दिखाया था थोड़े दिनों पहले, एक जो था वो बेचारा हमारा बच्चा ना ख़राब हो गया था अंडा, वो बच्चा मर गया था। और बाकी जो पड़े थे उनमें से माशाल्लाह दो बच्चे जो हैं वो निकले हैं बिल्कुल ठीक, और बाकी दो ही अंडे और पड़े, क्योंकि छः रखे थे बस हमने अंडे ना, तो एक शुरू में ही ख़राब हो गया था। तो चलते हैं अंदर, अंदर चल के आपको भाई बच्चों से मिलवाते हैं। तो लें जी मैं इस टाइम आ गया अंदर अंदर, क्योंकि मुर्गी रखी हुई थी हमने अपनी, क्योंकि बाहर सर्दी वगैरह काफ़ी हो जाती थी, जिसकी वजह से ना हमने कहा कि अंडे वगैरह ख़राब ना हो। माशाल्लाह दोनों मुर्गियां जो है ना, एक तो मुर्गी भी अंडों पे बैठी हुई जैसा कि आपको पता है, तो हमने दोनों मुर्गियों को ना अंदर ही अंडों पर बैठाया हुआ है। ये वाइट वाली बैठी हुई है हमारी, और ये जो है ब्लैक वाली के जो अंडे थे ना भाई, हमने वो कर दिए थे उसके नीचे, और इसके नीचे जो थे ना बतखों के रखे हुए थे। तो दिखाते हैं जी, लें जी माशाल्लाह जी, ये चेक करें हमारी बतखों के अंडे जो हैं, उनमें से बच्चे निकले हैं माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारे, छोटे छोटे से हैं ये, बहुत नरम नरम से हैं, ये देखें छोटे छोटे से। एक हमारा पहले एक्सपायर हो गया था, मुझे बड़ा दुख हुआ था, मैं कहा यार ये क्या हो गया, मगर ये देखें जी माशाल्लाह रौनक लग गई, बतखों के बच्चे भी हमारे सेटअप पे निकले हैं। वे उसको लगता है भूख लग रही है, वो काट रहा है मुझे, ये निकला आज ही है। ये ज़्यादा तेज़ होते हैं मुर्गी के बच्चों से मैंने देखा है,
माशाल्लाह बहुत ही प्यारा। दूसरा वाला भी आपको दिखाते हैं। अच्छा अच्छा भाई आ जाओ नीचे, ये देखें ये भी एक है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा छोटा सा। तो लें जी जैसा कि आपने देखा माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे हमारी छोटे छोटे सी नई एंट्री हो गई है सेटअप पे। हमारे नए मेहमान आए हैं भाई बहुत ही प्यारे, बहुत इनका वेट किया हमने बहुत ज़्यादा ही ना, फिर जाके ये कहीं आए हैं। मुर्गी के चूज़े हमारे 21 दिनों में निकल आते थे, ये 28 दिनों में निकले। बाकी चेक करें माशाल्लाह कितना प्यारा है छोटा सा। दो हैं और बाकी जो अंडे पता नहीं कितने इसके पड़े हैं, और बाकी 3 अंडे और पड़े हुए हैं इसके, तो देखेंगे उनमें से भी उम्मीद तो है निकलेंगे इंशाल्लाह। और एक ये जो है ये मुर्गी का ही है, वो ब्राउन वाला जो अंडा है वो मुर्गी का है, और ये वाइट वाले जो हैं ये तीनों बतख के हैं अभी। और तो उम्मीद है इंशाल्लाह इनमें से भी बच्चे निकलेंगे। वो देखिए ऊपर चढ़ के ऊपर आ गया है, छोटे छोटे से एक्टिव हैं। वैसे मुर्गी भी बेचारी हैरान होती होगी हमारी कि मेरे बच्चे कैसे निकले हैं। चलें जी इनको अपना नीचे दोबारा इनके घुसा देते हैं, ज़रा कवर कर देते हैं। आज अभी एक एक दिन के ये ना हो गई सर्दी वगैरह इनको लग जाए या बीमार हो जाए, कपड़ा इनके ऊपर वापसी डाल देते हैं। पैक कर दिए बैठी रहे। और ये देखें जी मुर्गी हमारी वाइट वाली भी माशाल्लाह अंडों पर बैठी हुई है, नीचे माशाल्लाह बैठी रहे अभी बैठी रहे। हम चलते हैं अब जरा बाहर, बाहर चल के बाहर वाले जानवर। तो लें जी जैसा कि आपको दिखाया माशाल्लाह कितने प्यारे हमारे बतख के जो हैं बच्चे निकले हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं कहा कितना वेट किया इनका, 28 दिन पहले वेट किया, उससे पहले 28 दिन वेट किया, वो जब हमारे सारे अंडे ज़ाया हो गए थे, उसके बाद इस दफ़ा भी निकले ही निकले। तो एक बच्चा हमारा पिछला व्लॉग भी मैंने अपलोड किया था उसमें मर गया, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं कहा बस किस्मत में ही नहीं शायद है, मगर वो माशाल्लाह इस दफ़ा निकले तो बहुत ही खुशी हुई है। तो बाकी अल्लाह पाक भाई उनको सेहत दे जिंदगी वाले हों। और अब हम इधर आते हैं जरा अपनी फिंचिस को देख लें। आज दूसरा दिन है हमारे घर फिंचिस का। ओ ये माशाल्लाह फुल एक्टिव है। इनमें से भी एक बेचारी हमारी मर गई थी वाइट वाली, उसका भी बड़ा दुख हुआ था। जानवर जब मरता है बड़ा दुख होता है, पता नहीं क्यों ऐसे दिल टूट जाता है, दिल करता है कि बस अब रखना ही कुछ नहीं, फिर इंसान रख लेता, बंदा कहता है चलो कोई नहीं। वो देखें जी माशाल्लाह फुल स्टेमिना, वो फन के मूड में है, खेल रही हैं। ये चेक करें हमारे दोस्त, हमने एक अजीब सी मखलूक भी रखी हुई है बटेरे, ये देखें सारे ये एक से बढ़ के नमूने ही हैं। इसकी शक्ल देख लें कैसी है, ये पर सारे ही अपने नए निकाली जा रहे हैं। वो देखें नज़र आ रहे हैं वाइट वाइट सारे नए पर निकाल रहे हैं। ये देखें ये बिजू सा था छोटा था, ये भी कितना प्यारा हो गया है, मोटा हो गया है। और ये वाली जो है ये भी अच्छे साइज़ की होगी, ये फीमेल है। इस वाइट का भाई नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, इसका आप कमेंट्स में बताएं कि भाई ये मेल है या फीमेल है। बाकी वो तो पक्का मेल है वो ब्राउन वाला, और ये फीमेल है, इनका तो कन्फर्म है हमें पता। और अब जरा भाई नज़र ऊपर घुमाते हैं तोतेओं पे। तोतेओं सुनाओ क्या हाल है, ठीक ठाक हो? तोते भाई हमारे जो है ना बड़े आजकल उदास उदास से और नज़र नहीं आते ज़्यादा बार। वो सामने एक पेयर घुसा हुआ है, वो देखे नज़र आ रहा है, वो पेयर ही अंदर बैठा रहता है। और एक ये ब्लू वाला जो है ना हमारा नर बाहर है और इसकी फीमेल अंदर है। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में ना अगले व्लॉग में हम देखेंगे कि इन्होंने बच्चे दिए हैं कि नहीं दिए। तो बाकी आज का भी हम जो व्लॉग है ना इसको करेंगे एंड यहाँ पे थोड़ी देर में। तो और लें जी बाकी ये चेक करें, आज हमने अपना जो था ना जो हमारी फीमेल बेचारी जिसकी टांग खराब हुई हुई थी, इसके साथ ना ये मेल पकड़ लिया अपना टैडी, और इसको ना यहाँ पे क्या नाम लेते हैं इसके साथ अंदर बंद किया हुआ है। हमने कहा अभी ये पेयर जो है ना पूरा करते हैं ताकि इनकी ना ब्रीड, फिर वो उधर सामने लेंगे, वो उधर अंदर इनको लगा देंगे पक्का पक्का ही ना, वो वहाँ पे ऊपर, ताकि यहाँ पे सारी रौनक लगी रहे। वहाँ पे ऊपर सा वो वाला खाली कर देना, और ये वाला जो है ना हमारी पूरी अलमारी सी जो लोहे की बनी हुई है ये सारी उतरवा के छिलवा छिलवा के इसको भाई बना देना। हमने अपना ना पैरट्स का केज, तो बाकी सारा अभी सेटअप सुटअप जो अपना ना थोड़ा बहुत और चेंज करेंगे। बाकी वो बतखें चेक करें, उसको बेचारी को पता ही नहीं कि मेरे बच्चे निकल आए हैं। ना कर ना 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 कर ना कर। और ये चेक करें जी कबूतर आज अपने फिर घर आए हुए हैं माशाल्लाह, वो ऊपर बैठे हुए हैं, आपको शायद दिखा सकूं। वो देखे वो उड़ गया एक बीच में से माशाल्लाह ना, रौनक फुल टाइम लगी हुई है, मौसम भी ज़बरदस्त है। और अब ज़रा हम अपनी ना नज़र मारते हैं चूज़ों पे, क्योंकि चूज़े जो है ना चेरे हमारे सर्दी ना लग रही है। ये मुर्गा बैठा हुआ था ये हमारा, चेक करें जी माशाल्लाह फुल ज़बरदस्त मुर्गा। और इधर चूज़े हमारे चूज़े भी, आपको सुपर से निकाल देता हूँ, सर्दी बड़ी है उनको सर्दी ना लगे। वो देखो सारे माँ के नीचे से निकल के लदा बैठे हुए हैं मुर्गी भी देख रही है कैमरे में। तो चलते हैं ज़रा मैक्सी को भी नज़र मार लें, भैया आपको मैक्सी भी दिखा दें। मैक्सी मैक्सी वो देखें जी मैक्सी नीचे से निकल के आ रही है, चारपाई हमने यहाँ पर इस तरह रखी हुई है। नीचे मैक्सी के घर है, वो सामने मैक्सी का घर है। मैक्सी पीछे जा, चल मैक्सी नीचे चल घर चल अपने चल अंदर, इधर ही बैठ गई है मैक्सी, बात नहीं मानती भैया हमारी ना, मर्जी हो तो सुनती है मर्जी हो तो नहीं सुनती।
तो लें जी, बाकी हम आज अपने जो व्लॉग को करते हैं एंड, इंशाल्लाह मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और अगर आज के जो हैं आपको बतख के बच्चे अच्छे लगे हैं ना, तो जल्दी से जाओ चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है ना। मिलेंगे कल आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।